हेलो एवरीवन, अगर आपको इस तरह काले लंबे घने वाल चाहिए, हेयर चाहिए, तो मेरा ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। जस्ट 3 चीज अप्लाई करना है, उसके बाद आपका बाल काले लंबे घने शाइनिंग सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैं हफ्ते में 3 दिन मेरा बेटी को हेयर में यूज करती हूँ और मैं खुद लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें, हेयर फॉल रुकता है। तो सबसे पहले 3 चीज़ यह है कि सिकाकाई, रीठा, आंवला, आपका साबुत मिल जाएगा। तो साबुत लोगे तो पूरी रात इसको भिगे के रखना पड़ता है, तो मैंने पाउडर यूज करती हूँ। तो पाउडर की कैसे यूज करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले 2 चम्मच पाउडर ले लेना है, आपका हेयर की अकॉर्डिंग आप लेंगे। जैसे कि आपको ज़्यादा वाल हो तो आप ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, 3-3 चम्मच यूज करना। मैं हर पैकेट से 2-2 चम्मच यूज कर रही हूँ। तो गाइस, दिस रेमेडीज हफ्ता में 3 बार यूज कर सकते हैं, आपको शैम्पू करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला रेमेडीज हेयर क्लींजर की काम करते हैं, और नहाने से 20 मिनट पहले ये लगा लेना है, उसके बाद सिंपल पानी में वॉश कर लेना है। थोड़ा सा गुनगुने पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और पानी अगर कम हो तो थोड़ा सा पानी डालना चाहिए। दो घंटे के लिए भिगा के रखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा जो बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है और पतली भी नहीं है। फिर मैंने 2 घंटे के लिए ढक दूंगी। तो गाइस, 2 घंटा हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, स्मूथ हो गया है। तो स्काल पे लगाना है और साथ के साथ आपको पूरा बालों में लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। मेरा जो डॉटर है उसका बालों में लगाती रहती हूँ, हफ्ता में 3 दिन लगाती हूँ, और इतना मजबूत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाल हो जाता है। इस तरह से लगा लेना है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना, इसी तरह से लगाना है। बिल्कुल काला घने लंबे बाल हो जाएगा, और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद यूज करती हूँ और मेरा बेटी को भी लगा देती हूँ। आप चाहे तो इसके साथ एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हैं, और हफ्ता में 2-3 बार ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दिस रेमेडीज हेयर क्लींजर की काम करते हैं, इसमें आंवला बहुत स्ट्रॉन्ग करता है बालों में, काला घने लंबा और बहुत अच्छा शाइनिंग करते हैं, और सिकाकाई जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो रीठा है वो अपना हेयर क्लींजर करते हैं, शैम्पू की काम करते हैं। तो आप इसके साथ साथ एलोवेरा ऐड करके लगाइए तो आपका हेयर बहुत ज़्यादा ठीक एंड ग्रोथ होंगे, और उसके साथ साथ काला लंबे घने और मजबूत भी बनेगा। इसी तरह से सिर से लेकर पूरी की पूरी बालों में लगा लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हेयर में हम अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी हफ्ता में 3 दिन लगाइए। जस्ट 20 मिनट्स रखना है, उसके बाद वॉश कर लेना है सिंपल पानी में। तो गाइस, यू कैन सी लुकिंग सिल्की शाइनिंग एंड स्मूथ हेयर। आप देख सकते हैं। तो गाइस,
बिल्कुल कंघी करने का ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल सिल्की हो गया है और बहुत ठीक हो गया है, स्ट्रॉन्ग। और ब्लैक हेयर बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाता है क्योंकि इसमें आंवला है। तो गाइस, इसको आप हेयर क्लींजर भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है और इतना फायदेमंद है। I hope you guys like my video. Thank you for watching, guys.